स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागनी पांडे। पूरा देश जिस फांसी का इंतजार कर रहा है वो फांसी कल 20 मार्च को होनी है। निर्भया के दरिंदे कल फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे। दिल्ली के तिहाड़ जेल नंबर 3 में फांसी कोठी के समीप अलग अलग 4 सेल में कड़े पुलिस पहरे के बीच बंद निर्भया के चारों दोषी इन दिनों लाल कपड़े पहने हुए हैं। जेल सूत्रों का कहना है कि लाल कपड़े पहनने का मतलब है डेंजर जोन, यानी इस तरफ किसी भी कैदी को आने की इजाजत नहीं होगी। जेल सूत्रों ने बताया कि फांसी कोठी के पास बनी अन्य सेल को खाली करा लिया गया है। चारों दोषियों के सेल के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इनकी 3-3 घंटे के बाद ड्यूटी बदल रही है। चारों दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी दी जानी है, इसलिए चारों दोषी बेहद बेचैन हैं। वह सुबह शाम को मिलने वाला खाना भी कम खा रहे हैं, रात को देर तक जगे रहते हैं। बताया गया है कि इन दिनों चारों दोषियों को लाल कपड़े पहनाए गए हैं। इनमें लाल कमीज, लाल बनियान और लाल रंग की पैंट शामिल है। सूत्रों का कहना है कि लाल कपड़े के अलावा उनके मामले की फाइल का रंग भी लाल है। लाल रंग के कपड़ों का मतलब है कि वह डेंजर जोन में है। फाइल लाल रंग की होने का मतलब है कि वह किसी भी टेबल पर जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि यह किस मामले की फाइल है। सूत्रों का कहना है कि 20 मार्च को फांसी देने से पहले चारों को उनकी ही सेल में नहलाया जाएगा। फांसी देने के बाद जेल नंबर 3 को दूसरे कैदियों के लिए थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा। फांसी की सुबह जेल अधिकारी, जेल स्टाफ और इलाके के SDM समय से पहले ही 3 नंबर जेल पहुंचेंगे। SDM के इशारा मिलने के बाद ही जल्लाद चारों को फांसी देगा। निर्भया कांड में चारों दोषियों को फांसी देने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। अब इंतजार है तो कल सुबह का, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आज की खबर।